नमस्कार, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं 20 बुरी आदतें या 20 ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो आपके हस्बैंड की सेक्सुअल इच्छा, सेक्स की इच्छा कम करती है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 20 बुरी आदतें हैं आपके हस्बैंड की कि जिसके वजह से वो आपके साथ में सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, या उनकी सेक्सुअल इच्छा नहीं होती, या उनका इरेक्शन बराबर नहीं होता, या जल्दी गिर जाता है, व्हाटएवर जो भी है वो। नंबर एक, वो बहुत ज्यादा, आपका हस्बैंड ना बहुत ज्यादा काम करता है, कंपनी में काम करता होगा, सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, जाने में 1.5 घंटा, आने में 1.5 घंटा, और फिर इसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि टारगेट पूरे करने हैं, नींद भी बराबर नहीं है, और उसके वजह से वो कर नहीं पाता। तो स्ट्रेस कम और नींद ज्यादा, नंबर एक। नंबर दो, आपका हस्बैंड हो सकता है कि जिंक कम खाता हो। जिंक बहुत जरूरी है परफॉर्मेंस के लिए। जिंक की टैबलेट्स मिलती है, कैप्सूल मिलती है, गोलियां मिलती है, इंजेक्शन में जिंक आता है, और यदि आपको जिंक खाने में नेचुरली फूड में लेना है तो ऑयस्टर्स, बीफ, स्पैनैक, नट्स, इसमें जिंक आता है, और जिंक का कोरिलेशन डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन से लगाया हुआ है, मतलब सेक्स हार्मोन से। यदि आप जिंक कम खाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन मतलब सेक्स हार्मोन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है। तो जिंक खाना, नट्स में स्पेशली स्पैनैक नट्स, इसमें जिंक बहुत अच्छा रहता है, और जिंक रेगुलरली आपका हस्बैंड नहीं खाता होगा। नंबर तीन, हो सकता है कि वो आपके साथ में इमोशनली जुड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज ही या महिला ही पुरुष से इमोशनली जुड़ जाती है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो आपका हस्बैंड आपके साथ में इमोशनली क्लोज नहीं है, इमोशनली इंटीमेट नहीं है, वो आपके साथ में खुली बात नहीं करता है, और फिर इसके वजह से आपके साथ में वो मतलब क्लोज नहीं आता है, और फिर उससे उसका सेक्स ड्राइव कम हो जाता है। नंबर चार, ही इज होम बॉडी। होम बॉडी का मतलब ये होता है कि वो घर के घर में ही रहता है, बाहर निकलता नहीं ज्यादा। क्या होता है कि आप यदि धूप नहीं लेते हो, सनलाइट नहीं लेते हो, तो विटामिन डी कम हो जाता है बॉडी का, और विटामिन डी यदि कम हो गया तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है, लिबिडो सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है। और 2011 की एक स्टडी है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि विटामिन डी यदि आप कम लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है। विटामिन डी यदि ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली आपकी टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाएंगी, और उससे सेक्स ड्राइव बढ़ सकता है। नंबर पाँच, वो बहुत ज़्यादा जिम कर रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि मतलब फैटिस्ट रहते हैं जिम के बारे में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस वर्कआउट्स करेंगे, बहुत समय तक करेंगे, घंटों करेंगे, जिससे होता क्या है कि लिबिडो कम हो जाता है, थकान आ जाती है बॉडी को। तो हरदम ये ऐसा है कि मॉडरेट एक्सरसाइज आप करते हैं, मतलब 40 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे एक्चुअली सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। मगर यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस आप एक्सरसाइज करते हैं तो इच्छा कम हो जाती है, तो वो चेक करो कि आपका हस्बैंड जो है वो शायद जिम में बहुत ज़्यादा समय बिता रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहा है। नंबर छः, वो लेट सोता है, बहुत ज़्यादा मतलब लेट काम करता है, लेट सोता है। क्या होता है कि यदि स्लीप अच्छी नहीं है, नींद अच्छी नहीं है, और नींद गहरी नहीं है, नींद में बहुत ज़्यादा खर्राटे मार रहा है, और नींद में एपनिया हो रहा है, मतलब स्लीप एपनिया बोलते हैं कि बीच में ही सांस रुक जाना नींद में, तो उसे भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हो सकता है कि आपका हस्बैंड जो है उसकी नींद बराबर नहीं हो रही है, जैसी जैसे वैसी क्वालिटी स्लीप नहीं हो रही है। नंबर सात, हो सकता है कि आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा पॉर्न देख रहा है। जब पॉर्न देखता है, पॉर्न एडिक्शन है, तो पॉर्न एडिक्शन से क्या होता है कि सेक्सुअल ड्राइव जो है वो कम हो जाती है बहुत ज़्यादा पॉर्न देखने से, पॉर्न एडिक्शन से। एक्चुअली सेक्स एनोरेक्सिया हुआ ऐसा पाएगा, मतलब सेक्स का एवर्शन हो जाता है, नहीं होना भाई सेक्स, ऐसा हो जाता है उसको, तो वो आपको चेक करना होगा। नंबर आठ, आपका हस्बैंड हो सकता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फूड अवॉइड करता होगा, या वो कम लेता होगा, लाइक फिश। यदि फिश में, फिश लेते ना, कॉडलीवर ऑयल है, कॉडलीवर फिश है उसका ऑयल है, या मतलब सालमन फिश है, या फिर वॉलनट्स है, अखरोट बोलते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, तो वो सोयाबीन ऑयल उसमें भी रहता है, तो हो सकता है कि वो कम मात्रा में लेता होगा, तो वो आपको चेक करना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा उसके बॉडी में कम होती जा रही है। फिर नंबर नौ, आपका हस्बैंड
हो सकता है कि फोन के तरफ देखना बंद नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा फोन में बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, टीवी, फिर गूगल सर्चेस, तो इतने ज़्यादा करने के बाद में होता क्या है कि नेचुरली आपके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है और वो डिस्टेंस फिर नेचुरली सेक्स ड्राइव कम करने में हो जाता है, कारणीभूत होता है। नंबर 10, आज भी वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि वो इमोशनली पहले कहीं किसके साथ में इन्वॉल्व था और उसके बारे में सोच रहा है, या आज भी उसके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है और इसलिए वो आज भी प्रॉब्लम कर रहा है। हो सकता है कि भाई ब्रेकअप हुआ है पहले गर्लफ्रेंड के साथ में, मगर वो ब्रेकअप अभी हील नहीं हुआ है, अभी वो जख्म जो है वो बची हुई है, उंगली है। नंबर 11, ये आपका कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेज नहीं कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, ही कैन नॉट मैनेज द स्ट्रेस, तनाव लेता है, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा करना, छोटी छोटी बात के ऊपर तनाव में आना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करना उसकी वजह से, और फिर सेक्स ड्राइव में कम हो जाना। नंबर 12, बहुत ज़्यादा जंक फूड आपका हस्बैंड खाता होगा। जंक फूड जो है वो, जंक फूड में होता है थैलेट्स, PHALATS, थैलेट्स रहते बहुत ज़्यादा, और थैलेट्स जो है वो सेक्स हॉर्मोन्स कम करने में, लिबिडो कम करने में कारणीभूत होते हैं। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, वो रिड्यूस करना पड़ेगा। नंबर 13, हो सकता है कि आपका हस्बैंड सेक्स, मतलब एक रूटीन, एक धर्मकांड जैसा होता है ना, कोई पूजा पाठ करना, चलो वो एक बार निपट डालेंगे, मतलब इस तरह का ही, चलो करना है करके कर डालेंगे, ऐसा करके, मतलब बोर्डम उसको हुआ है और करना है करके कर रहा है, और वो बेडरूम में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, या उसको सेक्स में नॉवेल्टी नहीं लेके आती है, तो फिर ऐसा इसमें रहा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको क्या करना होगा कि सेक्स में नॉवेल्टी लाओ, ब्रेक्स लो, बाहर चले जाओ, वेकेशन में जाओ, बेडरूम चेंज करो, पोजीशंस चेंज करो, ऐसे यदि आप डेफिनेटली करते हैं तो फायदा हो जाएगा। नंबर 14, हो सकता है कि उसको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, और फिर ये एंग्जाइटी डिप्रेशन जो है और एंग्शियस है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं कि उसमें डोपामिन लेवल्स जो है वो कम हो जाती है, स्टेरॉइड्स बढ़ जाते हैं, एड्रेनलिन बढ़ जाती है, और उससे फिर सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। तो मेंटल हेल्थ जो है वो सीरियसली लेनी चाहिए, मेंटल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 15, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है या तंबाकू खाता है। तंबाकू में या सिगरेट में निकोटीन ज़्यादा होता है, और निकोटीन कारणीभूत होता है जो ब्लड वेसल्स रहती है ना उसके अंदर अस्तर रहता है आवरण, तो वो थिक कर देता है, तो ब्लड फ्लो अंदर नहीं होता, अंदर जाता ही नहीं है पेनिस में, तो वो एक कारणीभूत होता है कि भाई निकोटीन खाना बंद करना होगा। ये है 15। नंबर 16, क्या होता है कि अराउंड 4 में से 1 व्यक्ति को 35-40 की उम्र में, 4 में से 1 व्यक्ति को कभी ना कभी इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है कोई भी कारण से। अब ये प्रॉब्लम सीरियस लेना जरूरी है। होता क्या है कि लोग सीरियसली लेते नहीं है, इलाज नहीं करते हैं, और फिर उससे एक आत्मसम्मान कम हो जाता है। अरे मुझे भी एक व्यक्ति का फोन था, बोले कि वैसा इरेक्शन आता है मगर पत्नी के पास में जाते हैं और इरेक्शन नहीं आता है, तो अपने आप को मैं बहुत कोसता हूँ और अपनी इज्जत चली जाती है। फिर क्या होता है कि सेल्फ एस्टीम कम हो गया, आत्मसम्मान कम हो गया। ऐसा व्यक्ति दूसरे दिन जब जाता है औरत के पास में तो उसकी इच्छा भी कम होती है और इरेक्शन भी कम आता है। तो इरेक्शन का थोड़ा भी प्रॉब्लम कभी है तुरंत उसका इलाज करना जरूरी है ताकि आगे वो ज़्यादा ज़्यादा ना होते जाए। नंबर 17, हो सकता है कि आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है। शराब से क्या होता है, अल्कोहल इंक्रीज द डिज़ायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। इच्छा बहुत होती है मगर सेक्स कर नहीं सकता है, तो वो एक देखना पड़ेगा कि भाई बहुत ज़्यादा शराब पीता है। नंबर 18, आपका हस्बैंड रिलैक्स करने के लिए टाइम निकालता नहीं है, ही डजंट रिलैक्स। और रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं है तो फिर क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्साइट नहीं होती, वो स्टिमुलेट नहीं होती, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होती है। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होती, एक्साइट नहीं होती है, तो नेचुरली सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। अब रिलैक्स करना है तो योगा करना पड़ेगा, फिर हिप्नोसिस आप करते हैं,
जो भी चीज आपको रिलैक्स करेंगे, गार्डनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो रिलैक्स होना जरूरी है, चिल आउट करना बहुत जरूरी है। नंबर 19, ऐसा झुक के बैठना या मतलब लपक के जाना या वैसा सीना तान के खड़े नहीं करना, आंखों में आंख नहीं डालना, मतलब ये आदतें रहे तो क्या होता है, बताता है कि उसका सेल्फ एस्टीम कम है। एक स्टडी है न्यूजीलैंड की, उसमें ऐसा देखा गया कि जो लोगों को मतलब जो लोग स्ट्रेट बैठते हैं, सीधी बैठते हैं, ऐसे आंखों में आंख डाल के बात करते, कॉन्फिडेंटली बात करते, वो लोगों को बहुत अच्छा सेल्फ एस्टीम रहता है, आत्मसम्मान रहता है, दे आर सेक्सुअली मोर अराउज्ड, उनका मूड अच्छा रहता है और वो सेक्स में बहुत एक्टिव रहते हैं। और उल्टा उन्होंने देखा कि जो लोग एकदम ऐसे बैठेंगे मतलब गले हुए हैं बिल्कुल और कोई एनर्जी नहीं है, और ऐसे लोगों का इच्छा भी नहीं होती और वो प्रॉब्लम कर देते हैं। ये है नंबर 19। और नंबर 20 जो है वो है कि भाई मेडिकेशंस, एंटीहिस्टामिनिक्स मतलब खुजली की दवाइयाँ हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स या और ऐसी कोई एंटी एंग्जाइटी, एंटी साइकोटिक्स, ये दवाइयाँ चल रही है और ये दवाई सेक्स की इच्छा कम करती है, तो हो सकता है कि आपको ऐसी दवाई लेनी पड़ेगी, स्पेशली जो एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर है, डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं तो उनको ऐसी दवाई देनी पड़ेगी कि उनका डिप्रेशन भी ठीक होगा और सेक्सुअल इच्छा भी अच्छी होंगी। क्योंकि क्या होता है कि डिप्रेशन की दवा दिया कि सेक्स की इच्छा कम हो जाती, वो दवाई का साइड इफेक्ट है, तो उसके लिए वो भी करना होगा। तो ऐसी ये 20 बातें हैं, ये 20 जो मैंने बातें बताई, 20 बैड हैबिट्स, जिसके ऊपर आप गौर करते तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड के साथ में अच्छा सेक्स कर पाओगे, आपका हस्बैंड आपके साथ में अच्छा सेक्स कर पाएगा और आपका वैवाहिक अच्छा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी नवविवाहित जो कपल्स हैं उनको ये शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।